नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड परिक्रमा। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के कैंप कार्यालय में बोधिसत्व पुस्तक का किया विमोचन, कहा सभी लोगों को बोधिसत्व के विचारों से लेनी चाहिए प्रेरणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लक्सर और खानपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे कृषि सचिव दीपेंद्र चौधरी, कहा सर्वे का काम पूरा होने के बाद किसानों को दिया जाएगा उचित मुआवजा। रुद्रपुर में जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने विकास भवन के कार्यालयों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को जनहित की फाइल्स को प्राथमिकता और समयबद्धता से निस्तारित करने के दिए निर्देश। बलूचिस्तान की आजादी के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी ने हरिद्वार के हर की पौड़ी के पास चौधरी चरण सिंह वीआईपी घाट में की मां गंगा की पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बलूचिस्तान का साथ देने की करी मांग। टिहरी गढ़वाल में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत चयन ट्रायल्स का किया गया आयोजन, जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार पौरी ने कहा 8 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक आयु वर्ग में 25 बालक और 25 बालिका खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे 1500 रुपए। टिहरी में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हुई राजस्व की मासिक स्टाफ बैठक, आबकारी अधिकारी को बॉर्डर पर छापेमारी करने और वाहन चेकिंग में प्रगति लाने के दिए निर्देश। हरिद्वार जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने रोशनाबाद बिहारीगढ़ मोटर मार्ग पर अनेकी के पास बरसात से क्षतिग्रस्त हुए सेतु के स्थान पर बन रहे वैली ब्रिज का किया निरीक्षण, कहा 10 अगस्त तक वैली ब्रिज बनकर हो जाएगा तैयार। हरिद्वार जिला प्रशासन हाइड्रोपोनिक तकनीक से पॉलीहाउस के क्लस्टर में केमिकल फ्री खेती कराने की कर रहा है तैयारी, जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने कहा मिट्टी की जगह पानी पर केमिकल फ्री खेती की तरफ बढ़ेगा हरिद्वार का किसान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम की अध्यक्षता में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण और मूल्यांकन कार्यक्रम हुआ संपन्न, चुनाव सामग्री और ई रोल पर विचार से दिया गया प्रशिक्षण। राजधानी देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिशन दालचीनी तिमूर एवं लेमन ग्रास के तहत कैंप कार्यालय से प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए 3 लाख पौधों को फ्लैग ऑफ करके किया रवाना, कहा भविष्य में दालचीनी की पत्तियों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उत्तराखंड। देहरादून के दून अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक में महिला ने लिफ्ट के बाहर दिया बच्चे को जन्म, प्रसव के करीब 15 मिनट बाद डॉक्टरों ने लिया संज्ञान, जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हालत में। और मेरी वाइफ की बाहर डिलीवरी हुई थी, ये इनका क्या बताया लिफ्ट के पास, तो वहाँ पर थोड़ा लेट के चाय पी रही थी और चाय पीते पीते उनका अचानक सी हो गई डिलीवरी, फिर नॉर्मल हो गया था, उनका नॉर्मल हो गया ठीक ठाक। इधर नहीं, ऐसे घूमते घूमते नहीं, लेडीज की नहीं, लिफ्ट में ही बच्चा हो गया, फिर सारे भागते हुए तो मैं भी आगे देखने, तो सारों ने देखा, बंदे भी देख रहे थे, लेडीज जेंट्स सभी देख रहे थे उधर, फिर मैं भी देखने लगी, फिर वो लोग आए डॉक्टर लोग, फिर उसे उठा के ना फिर ले गए, जब हो गया था ना बच्चा उसके बाद लेके गए। हाँ लिफ्ट में ही हो गया, घूमते घूमते हो गया, हल्ला मच गया ना सारे में कि बच्चा हो गया बच्चा हो गया, फिर डॉक्टर आए, यानी 10 मिनट तो लग गए थे, 10-15 फिर ही ले गए उठा के, साथ ही ले गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने के बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने ली चुटकी, कहा ख्याली पुलाव ना पकाए हारदा, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा आने वाले चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होना है तय। खुश करने के लिए गाली पे ख्याल अच्छा है, तो वो खुश रहे अपने आप में इसी तरीके से, चाहे जो भी सोच ले अपने इन्हीं के उस पे तर्ज पे, इन्हीं की उस अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और बार बार चुनाव हारा गया था, और इनकी इनकी अगुवाई तो छोड़िए, इन्होंने ही 3 बार अपने ही आप में चुनाव हारा है, और जहाँ जहाँ से चुनाव लड़े ये हारते गए हैं, फिर भी ये पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं कि अपने जीते जी मैं चुनाव जीतना देखता हुआ चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुंगेरी लाल के सपने कांग्रेस देख रही है, मुंगेरी लाल के सपने भारतीय जनता पार्टी देख रही है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का राज्य से सुपड़ा होना तय है और पूरे देश के अंदर कमोबेश यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। चंपावत में प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र समिति की हुई बैठक, उद्योगों के विकास और समस्याओं पर हुई चर्चा।
दो दिनों के उत्तराखंड प्रवास पर आ रहे हैं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, बीएल संतोष कई बैठकें लेकर लोकसभा चुनाव के लिए बनाएंगे रणनीति। और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बीजेपी की केंद्रीय टीम में बनाई जगह, सह कोषाध्यक्ष का मिला दायित्व। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल न्यूज।